जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म विनी द पू ब्लड एंड हनी के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एनिमेशन के जरिए एक कहानी दिखाई जाती है। ये कहानी होती है क्रिस्टोफर रॉबिन नाम के एक लड़के की, जो 100 एकड़ वुड्स नाम की जगह पे रहा करता था। और जब वो एक दिन जंगल से गुजर रहा था तो जंगल में उसे कुछ क्रीचर्स नजर आए जो ये क्रॉस ब्रीड्स थे, और वो सभी आधे इंसान और आधे जानवर थे। क्रिस्टोफर ने उनसे दोस्ती कर ली और उन लोगों ने अपने नाम उसे बताए, जो कि थे आउल रैबिट, ईयोर पिगलेट और पू। क्रिस्टोफर बच्चा था और उनको देखकर उसे बहुत ज्यादा दया आई, इसलिए उन सबसे उसने दोस्ती कर ली और वो उनके लिए रोज खाना लाया करता था। लेकिन जब क्रिस्टोफर बड़ा हुआ तो वो उनको भूलने लगा, और जब उसका कॉलेज में एडमिशन होने वाला था तो वो उन्हें छोड़कर वहां से चला गया ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कहीं और कर सके। ये पांचवा पूरी तरह अकेले हो गए और सोचने लगे कि आखिर क्रिस्टोफर के बिना वो क्या खाएंगे। पू ने एक रास्ता निकाला कि वो ईयोर को मार के खा लेंगे ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। इसीलिए उन चारों ने मिलकर ईयोर को मार डाला और उसका मांस खाया, और तब से ही उनके दिमाग में इंसानों के लिए बहुत ही नफरत पैदा हो गई। और पू और पिगलेट एक एक करके अपने दोस्तों को मार के खाने लगे, और अब सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे थे। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि अपनी फियांसे मैरी के साथ उसी जंगल में आता है, और उसे कहता है कि यहीं पे उसके दोस्त उसे मिले थे। मैरी उसकी बात पे यकीन नहीं करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि बचपन में उसने मनगढ़ंत दोस्त बना लिए थे। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन उसे बताता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, अब उसके दोस्त काफी बड़े हो गए होंगे और वो उसे देखते ही पहचान लेंगे। जब वो दोनों आगे जंगल की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि वो जगह अब बहुत बदल चुकी है, और क्रिस्टोफर वहाँ पे मटकों पे खून देखता है जो कि उसे काफी अजीब लगता है। मैरी ये देखकर उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, तो क्रिस्टोफर उससे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके दोस्त यही कहीं होंगे जो कि उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। तभी मैरी को वहाँ पे ईयोर की एक कब्र मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन क्रिस्टोफर उसके साथ जाने को तैयार नहीं था, और वो उसे लेकर उनके कैबिन में चला जाता है, जहाँ जब वो उन्हें आवाज लगाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी मैरी को वहाँ पे क्रिस्टोफर की फोटो नजर आती है, जिसके ऊपर पू ने ब्लड से क्रॉस लगाया हुआ था। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो क्रिस्टोफर से बहुत ही नफरत करते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों बेड के नीचे जाके छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे पू आया है जो कि अपने बेड पे सो जाता है, और उसके बाद रात होते ही ये दोनों वहाँ से अपनी जान बचा के निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो चोरी छुपके वहाँ से जा रहे होते हैं तो क्रिस्टोफर मैरी को पकड़ लेता है, और एक जंजीर उसके गले में बांध के वो उसके गले को खींचने लगता है, जिससे वो चौक हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर अपनी फियांसे की मौत को देखकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है, और वो पिगलेट से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो लोग अच्छे दोस्त हैं और उसने उसकी वाइफ को मार डाला है। तभी वहाँ पे पू आता है तो वो पू से कहता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पू उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे पीट के वो बंदी बना लेता है। उसके बाद हमें मरिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी, और वो अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास बैठी हुई थी और उसे सारी बात बता रही थी। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि इस ट्रॉमा की वजह से उसके दिमाग पे काफी असर पड़ा है, इसीलिए वो ये सजेस्ट करती है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और 100 एकर्स नाम की जगह पे एक ट्रिप के लिए जाए, कि वहाँ पे एक कैबिन है जो कि जंगलों के पास है, और अगर वो वहाँ पे जाएगी तो काफी ज्यादा अच्छा फील करेगी। ये सुनके मरिया अपनी 4 दोस्तों के साथ वहाँ पे जाने का प्लान करती है, और वो वहाँ पे एक कैबिन बुक कर लेती है वहाँ पे वेकेशन मनाने के लिए। उसकी दोस्त के नाम होते हैं जेस, एलिस, जो और लारा, और उसकी और दोस्त होती है टीना, जो कि रास्ते में अलग से आ रही होती है। वो सभी एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ मरिया अंदर जाती है ताकि वो फ्यूल भर सके, लेकिन वहाँ पे एक क्रीपी ओल्ड मैन आता है जो कि उसे बताता है कि उसके पंप पूरे खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से गैस नहीं भर सकती। अगर उसे गैस भरनी है तो वो 1 माइल वहाँ से दूर चली जाए, जहाँ पे उसे एक नई शॉप मिलेगी और वहाँ से वो पेट्रोल भरवा सकती है। ये सुनके मरिया उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो एक कपल से जा टकराती है जो कि वहाँ पे गैस भरवाने आए थे। वो उनसे टकराने के लिए सॉरी कहती है और वहाँ से आगे जाने के लिए निकल जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ उस कैबिन में पहुंचती है जो कि उसने रेंट किया था, और उस कैबिन के अंदर जाकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो कैबिन बहुत ही बढ़िया था और वो जंगलों के बीचों बीच था। इधर उसकी दोस्त टीना उसे कॉल करती है जो कि रास्ता भटक चुकी थी, और वो उसे बताती है कि वो उसे अच्छे से गाइड करे ताकि वो उसकी लोकेशन तक पहुंच सके। तभी उसका नेटवर्क जाने लगता है तो टीना जंगल के अंदर चली जाती है ताकि उसके नेटवर्क आ सके, और जब वो मरिया को फिर से कॉल करती है तो अपने पीछे वो किसी की आवाज को सुनती है। जब वो पीछे देखती है तो उसके सामने विनी द पू खड़ा होता है, जो कि उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है, और टीना वहां से भागने लगती है। वो भागते हुए एक अबैंडेंड फैक्ट्री में जा पहुंचती है, जहां पे वो छुप जाती है ताकि विनी द पू उसे देख ना पाए।
वो अंदर आके उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। उटीना ये कपड़े फाड़ देता है और उसके बाद वो उसके बाल पकड़ के एक श्रेडर मशीन में डाल देता है जिससे उसकी पूरी बॉडी श्रेड हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर कैबिन में हम जैसा और एलिस को देखते हैं जो कि लेस्बियन कपल्स थी और उन दोनों ने अपना बेड सजाया हुआ था क्योंकि वो दोनों वहाँ पे कुछ रोमांटिक करना चाहती थी। इधर लारा अपने रूम में होती है जो कि मेकअप कर रही होती है और वो अपने फोन को निकाल लेती है और खुद की फोटोज लेने लगती है। रात को वो सभी मरिया के पास बैठती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ट्रिप प्लान क्यों करी। तो मरिया उन्हें बताती है कि जब वो अपने घर में थी तो एक स्टॉकर उसे स्टॉक कर रहा था और एक दिन वो स्ट्रेंजर ने हद पार कर दी। रात को जब वो सो रही थी तो वो उसके घर में तक घुस आया था और उसे निवस्त्र करके वो उसका शोषण करना चाहता था। लेकिन एंड मौके पर उसकी आंखें खुल गई और उसने उसे धक्का दे दिया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तब से ही वो ट्रॉमेटाइज्ड है और उसकी साइकाइट्रिस्ट ने उसे सजेस्ट किया है यहाँ पे ट्रिप मनाने के लिए, इसीलिए वो उन सबके साथ यहाँ पर आई है ताकि वो सभी मिलकर एंजॉय कर सके। उसकी सारी दोस्त उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके साथ जो घटा था वो बहुत ज्यादा बुरा सीन था। इधर विनी ने अपने कैबिन में क्रिस्टोफर को बांध रखा था और क्रिस्टोफर जब उसे देखता है तो वो उससे कहता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे और उसने उन्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी। उसे अपनी दोस्ती नहीं भूलनी चाहिए थी और उन्हें हमेशा याद करना चाहिए था। वो उसकी बातें सुन के सारे सामान वहाँ पे फेंकने लगता है और उसे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था। वो याद करता है कि बचपन में वो सभी कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे और वो सभी कैसे एक साथ मिल बांट के रहते थे। वो क्रिस्टोफर से बदला लेना चाहता है इसीलिए वो एक हंटर निकालता है जिससे वो उसकी पीठ पे बुरी तरह मारता है जिससे उसकी पीठ की चमड़ी उखड़ जाती है। क्रिस्टोफर को इससे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है और उसके बाद वो उसके बीवी का स्केलेटन उसके सामने रख देता है जिसे देख कर क्रिस्टोफर हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों मिलकर उसका मांस खा चुके थे। उसके बाद वो दूसरी विक्टिम की हड्डियां लेकर बाहर जाता है लेकिन तभी उसे दूर से म्यूजिक बजने की आवाज आती है जिसे उनके वो समझ जाता है कि आसपास जरूर कोई रहने आया है, इसलिए वो म्यूजिक का आवाज का पीछा करते हुए उस कैबिन तक जाने लगता है। हम यहाँ कैबिन के बाहर लारा को देखते हैं जो कि जकूजी में बिकिनी पहन के लेटी हुई थी और वही वो गाना तेज बजाकर वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। वो अपने फोन से ढेर सारी सेल्फीज लेती है और उसके बाद उन फोटोज को देखने लगती है लेकिन एक फोटो में उसे अपने पीछे विनी द पू नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो इस बात को इग्नोर करती है और जकूजी में बैठ के आंखें बंद करके चिल करने लगती है लेकिन तभी हम उसके पीछे विनी द पू और पिगलेट को देखते हैं जो कि उसके पास आके उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब लारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने पू होता है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था। पिगलेट अपना बड़ा सा हथौड़ा लाता है उसके सर पे वार करने के लिए और उससे वो उसे दबा देता है और पू से कहता है गाड़ी चलाने को। तभी पू गाड़ी से लारा का मुंह कुचल देता है जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जैसा और एलिस नदी किनारे होती है और जब वो लारा की चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत कैबिन की ओर जाती है देखने के लिए वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं लेकिन तभी उन्हें एक अनजान गाड़ी वहाँ पे नजर आती है जिसे देखकर वो सोचती है कि शायद उनके घर में कोई आया होगा। लेकिन जब वो गाड़ी के नीचे देखती है तो उन्हें वहाँ पे लारा की लाश नजर आती है जिसका मुंह पूरी तरह कुचला हुआ था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अंदर जाती है मरिया और जोई को इस बारे में बताने के लिए लेकिन तभी उनके दरवाजे पे वो खून से गेट आउट लिखा हुआ पाती है जिससे वो समझ जाती है कि वो कातिल चाहते हैं कि वो यहाँ से तुरंत चली जाए। तभी उन्हें घर के अंदर कुछ आवाज आती है और उन्हें विनी द पू नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि ये इंसान है या जानवर। पूर पिगलेट वहाँ पे उन्हें ढूंढने लगते हैं और वो चारों उनसे बचने के लिए छुप जाती है। जेस और एलिस किचन की ओर जाती है ताकि वहाँ से वो नाइफ्स ले सके जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके लेकिन मरिया बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब कोई नया स्टॉकर उसके घर में आ गया था और जोई उसे समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो उसे बताती है कि उसके रूम में एक गन पड़ी है जिसे उन्हें लानी होगी ताकि वो अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। सुनके वो दोनों उसके रूम में जाती है और ड्रॉर में उन्हें वो गन मिल जाती है और इधर जैसा और एलिस चाकू लेके स्विमिंग पूल के बाहर पहुंचती है जहां उन्हें पिगलेट नजर आता है जो कि हथौड़ा लेके उनका पीछा करने लगता है। इसीलिए जैस पानी में कूद जाती है और पिगलेट एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डर के मारे एलिस वहीं पे बेहोश हो जाती है। जैस बहुत जोर की चिल्लाने लगती है तो पिगलेट भी पानी के अंदर आ जाता है और उसके मुंह पे वो एक हथौड़ा मारता है जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। एलिस की जब आंखें खुलती है तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन तभी पिगलेट उसके पास आकर उस पे वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मरिया और जो जब वहाँ पे पहुंचती हैं तो उन्हें जेस की लाश नजर आती है जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह रोने लगती हैं। तभी उन्हें बाहर नजर आता है कि पू और पिगलेट उनके दोस्त को ले जा रहे हैं जिससे वो दोनों उनका पीछा करने लगती हैं।
वो दोनों एलिस को अपने अड्डे पे ले जाते हैं और वहां पे उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि पू ढेर सारी हनी खा रहा है। जब पू उसे उठा हुआ देखता है तो वो उसके पास जाके उसे बुरी तरह पीटता है और उसके बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जोई और मरिया वहां पे आती हैं और अपनी दोस्त को छुड़ा लेती हैं और उसके बाद वो तीनों वहां से बाहर निकलने का फैसला करती हैं। जब वहां से बाहर जा रही होती हैं तो उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो तीनों डिसाइड करती हैं कि वो लोग उस लड़की की भी जान बचाएंगे। वो तीनों जब अंदर जाती हैं तो उन्हें वहां पे क्रिस्टोफर नजर आता है जिसकी वो मदद करती हैं और उसे वो छुड़ा देती हैं। और क्रिस्टोफर उनका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। उनसे कहता है कि वो तीनों यहाँ से भाग जाएं और वो अपने आप को संभाल लेगा और उसकी बात मान के वो तीनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं। उनसे कहता है कि उन्होंने एक और लड़की को यहाँ पे बंदी बना रखा है तो तुरंत उसके पास जाएं और उसकी जान बचाएं। इसलिए तीनों लड़कियां उस लड़की के पास जाती हैं और उसे छुड़ा देती हैं। वो देखती हैं कि उस लड़की को बुरी तरह पीटा गया है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये किसका काम है। तो लेडी उन्हें बताती है कि ये पिगलेट का काम है। उसका जब भी मन करता है वो उसे बुरी तरह पीटने आ जाता है। दोस्तों हम यहाँ देख पाते हैं कि वही लड़की है जो गैस स्टेशन में मरिया से टकराई थी और वो अपने पति के साथ यहाँ पे वेकेशन मनाने आई थी और इन दोनों ने उन्हें भी पकड़ लिया था। वो तीनों उस लड़की को छुड़ा देते हैं और उसके बाद वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़की कांच में अपनी शक्ल देख लेती है जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसे अपनी शक्ल देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लड़कियों से कहती है कि वो यहां से चली जाए, वो पिगलेट से बदला लेकर रहेगी। इसीलिए वो उनकी गन लेकर उनके अड्डे पे जाती है और उन्हें आवाज लगाती है। तभी पिगलेट वहां पर आता है जिसे देखकर वो कहती है कि वो जिंदा नहीं बचेगा और जब वो उसे शूट करने के लिए जाती है तो उसकी बंदूक ही नहीं चलती जिससे वो काफी डर जाती है और तभी पू उसके पीछे आकर उसे जान से मार डालता है। ये देखकर वो तीनों लड़कियां जोर से चिल्लाती हैं और पू उन सबका पीछा करने लगता है लेकिन एलिस वहीं पे रुक जाती है जिसे पिगलेट का हथौड़ा वहां पे मिल गया था जिससे वो पिगलेट पे हमला कर देती है और उसे बंदी बना लेती है। वो पिगलेट से कहती है कि उसे शौक है बहुत लड़कियों को मारने का लेकिन अब वो एक लड़की की मार सहेगा। उस हथौड़े से उसके सर पे बुरी तरह मारती है जिससे वो वहीं पे जख्मी हो जाता है और आखिरी बार वो उसके सर पे करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पूजा पिगलेट की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो उन लड़कियों को छोड़ के तुरंत उसके पास जाता है और देखता है कि उस लड़की ने उसके दोस्त को मार डाला है। ये देखकर वो उस लड़की को उठाता है और उसके मुंह में खंजर घुसा देता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर जोई और मरिया भागते हुए रोड की तरफ जाती है जहाँ उन्हें एक गाड़ी आती हुई नजर आती है तो वो उन बंदों से मदद मांगती है। वो बंदे गाड़ी से बाहर निकल के उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन तभी वो अपने सामने पू को देखते हैं जो कि उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया था। उसे कहते हैं कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो यहाँ से चला जाए लेकिन पू बहुत ढीठ होता है जो कि वहाँ से टस से मस नहीं होता। ये सुनते ही वो चारों बंदे अपने औजार निकालते हैं और उसपे वार करने लगते हैं लेकिन पू को उनके वार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी पू उन्हें एक एक करके बुरी तरह पीटने लगता है और उनको काट डालता है जिससे उन चारों की मौत हो जाती है और उसके बाद वो लड़कियों को पकड़ने के लिए जाता है लेकिन मरिया तुरंत कार स्टार्ट करके उसके ऊपर ही चढ़ा देती है लेकिन इससे भी उसे कोई भी असर नहीं होता और वो उल्टा उनकी गाड़ी का पिछवाड़ा पकड़ लेता है जिससे वो उनकी गाड़ी के डिक्की में आ जाता है। ये देखकर मरिया जोर से ब्रेक मारती है तो वो आगे की तरफ जाके गिर जाता है और इससे मरिया का सर स्टेयरिंग में जा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब मरिया की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि जोई को पू ने पकड़ लिया है और वो उसके सामने ही उसका गला काटता है और उसकी कार के ऊपर फेंक देता है जिसे देखकर मरिया बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके बाद पू मरिया को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे जान से मारने के लिए जाता है लेकिन तभी वहाँ पे दूसरी गाड़ी आती है जो कि पू को ठोकर मार देती है जिससे पू दब जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस गाड़ी में से क्रिस्टोफर निकलता है जो कि वहाँ पे उस लड़की की जान बचाने आया था और वो उससे कहता है कि अब वो चिंता ना करे, पू मर चुका है तो उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो अचानक पू को होश आ जाता है और वो अपना चाकू लेके उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो मरिया को पकड़ लेता है और क्रिस्टोफर उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर अब भी वो अच्छाई है जो वो बचपन में शेयर करते थे लेकिन पू ये सुनके उससे कहता है कि वो उन्हें छोड़कर चला गया था और इससे उन्हें पता चलता है कि सभी इंसान बेकार होते हैं। ये कह के वो मरिया के सर में चाकू घुसा देता है जिससे मरिया की मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर ये देखकर डर जाता है और वो समझ जाता है कि पू अब बदलने वाला नहीं है इसलिए वो वहां से तुरंत भागने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विनी द पू ब्लड एंड हनी की कहानी, जिसकी कहानी मेरे को उतनी ज्यादा खास नहीं लगी क्योंकि दोस्तों डायरेक्टर ने हमारे चाइल्डहुड मेमोरी से खिलवाड़ करा है इसलिए इस फिल्म को वर्स्ट फिल्म कहा गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्लैशर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस फिल्म में काफी बढ़िया गोर दिखाया गया है जो कि आजकल की स्लैशर फिल्म में मिसिंग है। लेकिन इस फिल्म में काफी ज्यादा बढ़िया स्लैशर सीन्स दिखाए गए हैं जो कि आपको काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं। दोस्तों एक वन टाइम वॉच मूवी है जिसे आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं और पर्सनली ये मूवी मुझे अच्छी लगी। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। आप इस फिल्म को कितने स्टार्स देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।